ओके सो हाय गाइस दिस इज गेमिंग प्रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो कि पहले मैच में देखने को मिली थी इनफैक्ट फाइनल सर्कल फाइट वाज ऑन दी मोस्ट इंप्रेसिव फाइट्स लेकिन उस पता है फाइट से पहले बहुत सारी चीजें थी जो कि उस सर्कल तक इस पूरी फाइट को लेकर के गई बहुत सारे फैक्टर्स से बहुत सारी

Which is a very, very good. पॉइंट अंडर देर रोटेशन रेड राइट जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं तो उनके रोटेशन के अराउंड एक बहुत अच्छा पॉइंट है फिर काफी फाइट्स हुई सब चीजें हुई इनकी तो बात हम लोग मैं एक एक्चुअली स्पेसिफिक वीडियो बनाने में अगर आप लोगों को चाहिए तो बताना जरूर द मिस्टेक्स ऑफ टीम गॉड लाइक बिकॉज कल मुझे लगा गॉड लाइक ने एक्चुअली काफी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पर मिस्टेक करी अगेन मेरे को ऑडियंस भी बहुत सारे लोगों ने अटैक किया जरूर था स्टोरीज के अंदर कि आप लोग बताओ कि आप बताओ यार की क्या मिस्टेक्स रहे हैं गॉड लाइक के बिकॉज हर कोई जानना चाहता है गॉडलाइक का फैन ये जानना चाहता है कि कहां पर गलतियां हुई And I'm pretty sure, अगर वो वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मेरे को बताना जरूर ना। सोल के प्लेयर्स खुद को ले आए इन घरों पर आप देख सकते हो राइट right? ये तीन प्लेयर्स है गॉब्लिन ओमेगा अक्षत ये खुद को यहां पर लेकर के आ चुके हैं दे है गुड प्लेस फॉरसेल्स प्लस गॉब्लिन में थोड़े बहुत भी कर थे। अब ये फाइट जो सोल वर्सेस टीएसएम जो फाइट हुई थी ना इस फाइट में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती थी इनफैक्ट यहां पर इफ एम नॉट इफ एम नॉट रॉन्ग जिस तरीके से ये गॉडलेक -like की अगेंस्ट वाली फाइट हुई डायनामाइट ने मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन किया था इफ आई एम आई एम लाइक राइट डायनामाइट ने देखो जॉनसन को जी गॉड को यहां पर पिक किया था शैडो को भी डायनामाइट लेकर के गए थे एंड देन क्लच गॉड के अगेंस्ट भी डायनामाइट ने फाइट निकाली थी एंड डायनामाइट एलिमिनेटेड द एंटायर टीम विच वॉज जस्ट सो ब्रिलियंट नो इट वॉज पर क्लच गॉड को किया था सो या माई बैड वट सिल नाउन लेट्स अबाउट द फाइनल फाइनल फाइट जो की यहां पर सिचुएशन थी सो दिस वन अब सोल के प्लेयर्स ने ऑब्वियसली देखो ये भी होता है कि नो प्लेयर कितने बचे हैं ज्यादा बचे कम बचे तो यहाँ पर इनके दो प्लेयर्स बचे एक प्लेयर पहले खो चुके हैं ये फाइट अगर पहले खत्म हो जाती है अवॉइड हो जाती है कुछ जाता सोल के पास अच्छा चांस रहता क्योंकि अब ना सर्कल में लोअर ग्राउंड पर यह टीम आ रही थी जो सर्कल था उसके अराउंड ये टीम थोड़ा लोअर ग्राउंड के पास जा रही थी स्काइट्स के प्लेयर्स प्लेयर जाए क्या उनके माइंड में उनका जो पुष था उनका जो यहाँ पर मोमेंटम था वो काफी अलग सा था तभी एक ही प्लेयर बचा इन्होंने अलग अलग कंपाउंड में में जाने जाने की की सोची सोची अलग अलग में जाने की सोची, जो कि एक काफी खराब डिसीजन था आप को बाइफर्ट नहीं कर सकते वन अब जब ये सब चीजें हो रही है, right? है ना अपने खुल गए नाउ दिस इज नो इट गेट्स वेरी ट्रिकी एंड वेरी इंटरेस्टिंग आप देखोगे दिस uh, प इट हेयर इन दिचुएशन सो एफ एस के जो प्लेयर्स है ना पर है उन्होंने बहुत अच्छी फाइट्स निकाली और अपने प्लेयर्स बाद में जिंदा कर लिए लाइक like, प्रॉपर एक जीवन दान आया था एंड ऐसे में बोल भी दिया था कि नो एफएस का चेक है क्योंकि उनके पास दो तीन चीजें हायर ग्राउंड टीएसएम के निंजा यहां आ नहीं सकते जोन का पहले डैमेज पड़ रहा है सोल के प्लेयर्स इधर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जगह नहीं ले सकते आपको हायर ग्राउंड चाहिए ऐसी फाइट्स में और ये जो हायर ग्राउंड है इसका टेरेन ऐसा है कि आपको कवर मिलेगा पूरे एरिया पे कवर मिलेगा विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग सो कवर मिलना इज अ नाइस थिंग एंड विद दिस हायर ग्राउंड यू कैन यू कैन जिस नो इजली प्ले मार्कोस के रौनक जोन जोन थोड़ा बहुत जोन और जोन तो इनको प्रेशराइज किया कि आगे ओपन में आ सके नाउ

एंड सोल के प्लेयर्स टाप के तो नहीं जाएंगे अगर आप टाप के गए तो इसी जगह पर ओआर के खिलाड़ी बैठे हुए हैं और क्योंकि यहाँ गोलियां चली थी सोल को पता है कि यहां गए तो ओआर के प्लेयर्स हैं सोल के प्लेयर्स सोच रहे हैं कवर 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 शायद स्मोकल या कुछ खेलें देन या तो पेट का कवर या इधर का कवर अब इधर का कवर इसलिए लिया क्योंकि इनके इनको निंजा के बारे में पता था एक प्लेयर डाउन हुआ था बट वहां से खत्म किया मतलब विजन है इधर की तो इधर का कवर लेना समझदारी की बात ही नहीं है बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है सो यूट वॉन्ट अ कवर लाइक दिस और दिस जो कि एक बहुत सेफ बेट हो जाता है ये बहुत माइनर डिटेल है जो कि सोल ने यहां पर यूटिलाइज करी है आप देखो ओमेगा देख रहे हैं आगे ओमेगा को पता है कि भाई निंजा इधर है बट निंजा खत्म हुआ क्रेट बनी मतलब भाई ऊपर कोई है तो आप बाहर की तरफ जा ही नहीं सकते अगर आप बाहर गए तो आप खत्म हो वेरी वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि करी गई अब दूसरी साइड से भी थ्रोएबल जा रहे तो सोल समझ गए तो मतलब खतरे वाली बात होगी मौली किया मौली अगर जाता अंदर तो डेफिनेटली एक अलग रिजल्ट होता ओ के प्लेयर शायद पैनिक करते बट देन ये जो कॉल आउट है ना अक्षत को भी कि नहीं अंदर की तरफ को रहना दीवार के दिस कॉल आउट स्पेसिफिकली ऐसा लग रहा है कि हाँ ओमेगा ने रीड अच्छा किया थ्रोएबल करके ओमेगा लाइक नहीं नहीं अब जोन का डैमेज लेना आगे की तरफ को जाता हूं बट देन अगेन ओमेगा वाज हियर यहां रहना एक बहुत खराब डिसीजन ओमेगा ने गोलियां चलाए आपने देखा फिर वापस कवर में आ गया ही अंडरस्टैंड्स द कवर नाउ ही वाज लाइक मैं लेटना चाहता था थोड़ा क्रिएट से मिलता कुछ मिलता बट देन वो कवर अंदर की तरफ को ही रखना है वेरी गुड डिसीजन नाउ यहां पर थ्रोएबल्स और सब चीज हो रही है क्लच ने देख लिया प्लेयर को डाउन किया अब अक्षत पे बाहर आता है कि नहीं भाई मुझे सर्वाइव करना है टॉप टू के लिए बट देन ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज ओवर के प्लेयर्स भी निकल रहे हैं अगर वो निकल रहे तो उधर देखने की कोशिश उनकी है ही है पता चल रहा है कि वहां बंदा होगा उसको मारना है फाइट लेनी है कुछ तो करना है बट देन जोन भी ओ को आगे की तरफ को धकेल रहा है दूसरी साइड को धकेल रहा है राइट अब आते हैं सीधा फाइनल वाली फाइट पर कि उसके अंदर क्या हुआ यहां से ना के फोर्टी सेवन इजीली प्रेश वन दैट वॉज था कोई भी होता बहुत प्रेशर था उन लोगों पर कि क्या करना है क्या नहीं करना क्योंकि आप देखो जलीना इधर आकर टीपीपी एंगल देंगे खट जाएंगे या yeah, दिस जली इधर है इज टेकिंग टीपीपी एंगल आई डोंट नो फॉर हूम और तभी उनको शॉर्ट्स पड़ी अंडरस्टूड कि नहीं भाई मेरे को इधर से ऐसे नहीं निकलना है। क्लच ने अक्षत को डाउन किया दो प्लेयर सोल के तीन प्लेयर ओ आर के एफ एस खाए आखिरी के पांच इंपॉर्टेंट फिनिश आए के पास इज अ वेरी वेरी बिग थिंग अब यहां पर ना ये जो स्मोक्स है थोड़ा पैनिक जो जेली पी की एचपी कम हुई मतलब थोड़ा पैनिक उससे फायदा मिला एक प्लेयर को आगे जाने का एफएस के एक प्लेयर को आगे जाने का फायदा मिला दैट इज हिटमैन जिनके पास ग्रेनेड्स हैं तो इज लाइक आगे जाओ अंदर नेड कर सकता हूं वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग लेकिन यहीं पर ना चीजें बहुत ज्यादा बदल गई करते इसको आधी स्पीड पे और आपको तब समझ में आएगा मैंने इस टाइम एक बात बोली थी कि भाई ये जो थ्रोएबल्स आ रहे हैं ना ये गैस कैन फाड़ सकते हैं राइट ये गैस कैन फोड़ सकते हैं विच इज विच कैन मेक प्लेयर्स वेरी वेलनरेबल चांसेस रहते हैं बहुत चांसेस रहते हैं सुनेंगे के और एक नहीं दो गैस कैन यहाँ पे पड़े हुए हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली तो दिक्कत हो सकती है आरू एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि आरू के पास ना बस सीधा आप बोल सकते हो कि स्टन आ चुका है ये देखो आरु के पास अब स्टन ग्रेनेड आ चुका है तो थ्रोएबल्स का फिर से वो है कि थ्रोएबल वाली बीटी हो चुकी है कि मतलब थ्रोएबल तो होगा ही नहीं हम चिकन डिनर नहीं खा सकते हमारा वेजिटेरियन शुरुआत होगी ये बात ओ के माइंड में शायद आ सकती है क्योंकि इनके पास अगर ओ के पास जैसे ये वाला ओपन एरिया ना अगर दूसरी साइड वाला दूसरी साइड वाला भी ओपन एरिया रहता तो ओ आर के प्लेयर मल्टीपल साइड से निकल करके प्रेशर बना सकते थे लेकिन ऐसा था ही नहीं सर्कल ने इनको ऐसे पकड़ा है मतलब इनको निकलना ही यह, यहां से बाहर है और कहीं से निकल ही नहीं सकते लोग राइट दैट्स अ थिंग हिटमैन ग्रेनेड पे ग्रेनेड कुक किए जा रहे हैं पता है भाई उधर नेड मारना है कुछ तो करना है और वहीं से आपकी अच्छी फाइट की स्टार्ट हो सकती है दैट्स व्हाट ही डिड उनका एक दोनों क्लच भी एक ग्रेनेड कर रहे हैं

यहाँ पे ना हल्की से अगर स्मोक का कर्वेचर बहुत बात करें ऐसे और ऐसे जाता है यहाँ पे खत्म होता है तो हल्का सा आरू का मूवमेंट दिख गया है। इसी चीज पर क्लश ने शॉर्ट्स मारे इस डायरेक्शन में गुड थिंग बट देन आरू ने भी दिमाग लगाया सामने निकला तो ऑब्वियसली दिखूंगा यहाँ आता हूँ हिटमैन को खत्म करूंगा कम से कम पत्थर ए, ये, पेड़ का तो कवर ले सकता हूँ क्योंकि अगर क्लच पे या के फोर्टी सेवन पे और ग्रेनेड्स होते तो ये ग्रेनेड करते फोर्टी सेवन ने किए जैसे लेकिन उनके ग्रेनेड इधर तक ही आके रहें मतलब इस प्लेयर पे ग्रेनेड नहीं आया मतलब मैं आगे जा करके ये कवर ले सकता हूँ टीपी ले सकता हूँ और आगे की फाइट ले सकता हूँ वेरी सिंपल थिंग इसलिए आरू आगे जाने की कोशिश करें थोड़ी सी बट देन कहें वो एक्जैक्टली exactly भी इनके हिस्से में नहीं आया क्योंकि वो स्मोक खत्म हो गया बट तब तक आरू एक और बंदे को लिपटा गए बट जैसे ही आरू ने डाउन किया ना आरू का ध्यान है इधर उनको इधर का ध्यान नहीं है तो इधर वाले प्लेयर के फोर्टी सेवन उनको सीधा डाउन किया शॉट्स लिए फिर से खुद को सेली स्ट्राइंग प्रॉपरली देख लिया अब दोनों एक दूसरे को देख चुके यहां पर पहला शॉट 21 का पड़ा है जली का राइट बहुत स्टैंडर्ड 31 गोलियां वापस में स्विच किया M4 पर आई बिलीव अगर एकेम होती ना तो कोशिश हो सकती है क्योंकि ऐसे में टीडीएम में लोग करते हैं प्रॉपर टीडीएम बैटल है ये अलग जगह अलग चीज है बट दिसम की ओपन बैटल होती है एक भी नहीं लगा है। का लगा, चौथी गोली में राइट बट ये कि देखो इधर मूव करते हो क्रॉसियर देखो कहां आ चुका है वर्सेज वो ऐसे मूव कर रहे मतलब वो इधर जा रहे हैं बट उनका क्रॉसियर इधर की तरफ को आ रहा है एक इस एंगल से मूवमेंट हो रही है उनकी और उसके कारण उनके शॉर्ट जो है प्लेयर पे लग रहे

Bye-bye.